हाई गाइस, यू आर वॉचिंग सीरियल से आप फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, बिकॉज यहाँ मिलेगी आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। वेल, बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहते कि अपकमिंग ट्रैक की, तो क्या कुछ खास दिखाया जाएगा। उससे पहले आप मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, क्योंकि यहीं पर मिलने वाली है आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट। वेल, अर्जुन आज रात के एपिसोड में काशवी से कहेगा कि तुम सिंपल हेयर्स में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, इसलिए तुम बाल खुले रखो, बहुत ही सिंपल वे में से बांध लो। तभी वो काशवी को थोड़ा सा पकड़ता है पीछे से और तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है। वो कहता है कि सर मुझे आपसे बात करनी है। अर्जुन उस पर चिल्लाता है और कहता है कि ये मैं बात नहीं करूँगा, मेरे लॉयर से बात करो। तभी आप पर काशवी हैंडल करते सिचुएशन को और कहती है अर्जुन से कि माफ़ कर दो उसे। मैनेजर कहता है इवन जो घोड़ा था उसको भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। अर्जुन कन्फ्यूज हो जाता है, कुछ नहीं कहता। मैनेजर तभी अंदर जाता है और महिमा से सीक्रेटली सारी बात सुन रही होती है और वो सिग्नल देती है कि फाइनली थैंक गॉड अर्जुन ने यहाँ पर सच का पता लगाने की ज़िद नहीं करी। थोड़े टाइम के बाद अर्जुन काश्मीर को मदद करता है रेडी होने में, उसकी मांग पड़ता है, उसके सर पर किस करता है और उसे हक करता है। महिमा ये सब कुछ देख रही होती है और काश्मीर यहाँ पर उसके करीब आती है और विंडो से वो कहती है कि अब तुम लोग पहले से भी ज़्यादा करीब हो गए हैं ना हम, और वो डिसाइड करती है कि चलो अब मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। तभी यहाँ पर दिखाया जाएगा कि वो पुलिस का नंबर डायल करती है ये बताने के लिए कि काशवी ही रिस्पॉन्सिबल है फार्मा हेल्थ केयर कॉन्ट्रोवर्सी के लिए। लेकिन तभी वहाँ दादी आ जाती है और उसका फ़ोन छीनती हैं और कहती हैं तू तैयार हो जा जल्द से जल्द, और वो उसके साथ आर्ग्यू करती है कि दादी आपने मेरा फ़ोन क्यों छीना। और तभी वो कहती है कि अरे तेरी हल्दी होने वाली है, तू क्या हल्दी हो जाएगी उसके बाद तैयार होगी। और ये सुनकर कि महिमा और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। फिर इधर इवनिंग का ट्रैक दिखाया जाएगा जहां हल्दी के लिए सब येलो कलर में ड्रेस में रेडी होंगे। महिमा भी आएगी, बैठेगी, दादी और रोमिला कहेंगी कि जाओ रोमिला हल्दी लेकर के आओ। अर्जुन और काशवी भी ज्वाइन करेंगे। महिमा जलेस होगी उन दोनों को देखकर। अर्जुन दादी से कहेगा कि अरे ज़्यादा हल्दी लाइए क्योंकि मुझे भी तो काशवी को लगानी है। काशवी ब्लश करती है जहां पर रोमिला हल्दी लाती है। तभी वहां रास्ते में बिजली आ जाती है और हल्दी का जो बाउल है वो गिर जाता है अर्जुन के हाथ पर और काशवी के ऊपर। महिमा चिल्लाती है रोमिला पर, तभी दादी कहती है दूसरी हल्दी ले आओ। तभी अर्जुन काशवी को खड़े होने में मदद करता है, उससे कहता है कि तुम अपने आप को क्लीन करो या मैं करूं, अदरवाइज हम तो फंक्शन में बुरे लगेंगे। अर्जुन उसे रूम में ले जाता है, काशवी उसे थैंक्स कहती है और वो कहता है इसमें थैंक्स क्या, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ यार। तभी वो कहती है तुम बेस्ट हस्बैंड ऑफ द वर्ल्ड हो। अर्जुन ब्लश करता है। काशवी यहाँ पर हल्दी क्लीन करने की कोशिश करती है बालों से, लेकिन अर्जुन उसे देख रहा होता है और क्लोज आ जाता है। महिमा तभी यहाँ पर आग में घी डालने का काम करती है और कहती है ओ हो मैं इतनी हेल्पलेस हूँ कि मैं कुछ करी नहीं पा रही हूँ सिवाय तुम दोनों को रोमांस करते हुए, और वो दादी को बुलाती है। तभी वो कहती है कि आप गोल्ड चेन तो लाइए काशवी के रूम से, और वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि बिजली ने पूरे कमरे में कबाड़ा मचा रखा है। काशवी उसे डांटती है और कहती है कि मैं तुम्हें इस फंक्शन ख़त्म होने के बाद सबक सिखाऊंगी। और वो तभी बिजी होती है चेन सर्च करने में और बिजली यहाँ इंपॉर्टेंट पेपर्स के साथ खेल रही होती है। काशवी नोटिस करती है और उसे पता चलता है कि आरजे हेल्थ केयर फाइल्स की जो प्रॉपर्टी है वो अब अर्जुन के नाम है और वो नया ओनर है। तभी वो सोचती है कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया और वो कन्फर्म करने के लिए अर्जुन के पास जाती है। तभी दादी नित्या से कहती है मैं बहुत खुश हूँ महिमा और मोहित के लिए। तभी वो कहती है बस ये फंक्शन ठीक से निपट जाए। तभी पुलिस आती है और कहती है हम अर्जुन को अरेस्ट करने आए हैं क्योंकि वो आरजे हेल्थ केयर के नए ओनर हैं। नित्या वहाँ आती है और आर्ग्यू करती है पुलिस के साथ। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड भी सिविल ऑफिसर है और मैं भी, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हमारे बच्चों को विदाउट कोई भी एविडेंस दिखाए हुए। पुलिस ऑफिसर कहते हैं हमारे पास एविडेंस है। तभी काशवी वहाँ आती है पीछे से और पुलिस कहती है कि हाँ हमारे पास एविडेंस है, और वो दिखाती है फाइल नित्या को और वो कहती है अर्जुन तुमने अपने ऊपर ब्लेम क्यों लिया। काशवी फोर्स करती है अर्जुन को सच बताने के लिए कि वो इनोसेंट है, फॉल्ट तुम्हारा नहीं है, लेकिन अर्जुन चुप रहता है और पुलिस अर्जुन को अपने साथ ले जाती है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर अब अपकमिंग ट्रैक में ये नया मसला क्या है, किसने अर्जुन को फंसाया है और क्यों अर्जुन ने ज़बरदस्ती किसका ब्लेम अपने सर पर लिया है। भले ऐसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।